सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक एंड मम्मास टाइम। आज हम बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं खानी है। आपको कॉफ़ी नहीं लेना है, चाय नहीं लेना है और ना ही कोई जंक फूड्स लेने हैं। आपको बाहर के जो भी खाने रहते हैं वो आपको टोटली बंद करना है। अब हम जान लेते हैं कि आपको क्या चीज़ खाना है। मैं अपना पर्सनली शेयर करूंगी कि मैंने सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कैसे खाना स्टार्ट किया था, क्या डाइट मैंने शुरू की थी। सबसे पहले जब मैं सुबह उठती थी तो मैं एक गिलास अजवाइन वाला पानी ले लेती थी, बॉइल्ड अजवाइन पानी रहता था, उसको ठंडा करके मैं पीती थी। फिर उसके बाद मैं रात को 5 बादाम भिगो देती थी, उसको मैं सुबह खाती थी, और 2 अंजीर भीगे हुए ये चीज़ खाती थी खाली पेट। फिर उसके बाद मैं सुबह का नाश्ता मैं ओट्स लेती थी और दलिया ये सब लेती थी। दूध का दलिया ले सकते हो या फिर दाल दलिया ले सकते हो। दाल दलिया में आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जब आप दूध वाला दलिया बना रहे हो तो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा वो टेस्टी हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो मिल्क रहता है, लैक्टेशन का जो रहता है प्रोसेस, बहुत अच्छा ईजी हो जाता है। अब सुबह 11 बजे आपको क्या लेना है, एक गिलास दूध लेना है। दूध के साथ आप सौंठ के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू ले सकते हैं, आपकी चॉइस है आपको कौन से लड्डू खाने हैं। अब 11 बजे आपने जब एक गिलास दूध ले लिया और लड्डू ले लिया तो उसके 2 घंटे बाद आपको लंच करना है। लंच में क्या करना है, आपको एक साथ खाना नहीं खाना है, आपको हर 2 घंटे या फिर 3 घंटे में छोटे छोटे मील्स लेने हैं। ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है, इससे क्या होगा, आपको गैस हो सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना है हर 2-2 या फिर 3-3 घंटे में, ठीक है। जैसे 11 बजे आपने दूध ले लिया तो उसके 2 घंटे बाद आप 2 रोटी ले लीजिए, दाल ले लीजिए और थोड़ी सी सब्जी ले लीजिए। फिर इसके 2 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लीजिए, दाल ले लीजिए, सब्जी लीजिए, ऐसे करके आपको खाना है। अब हम जान लेते हैं कि आपको शाम को क्या खाना है। आपको शाम को फिर से 1 गिलास दूध लेना है और साथ में 1 लड्डू लेना है, गोंद का या फिर सौंठ का लड्डू ले लेना है। और आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्रूट्स इंक्लूड करोगे तो आपका लैक्टेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होगा और दूध बहुत अच्छे से बनता है। तो हो सके तो पपीता ऐड कीजिए या फिर चीकू ऐड कीजिए, ये आपके मिल्क प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि रात को आपको क्या खाना है। आपको रात को थोड़ा लाइट ही खाना है, कुछ हैवी नहीं खाना है, क्योंकि ये आपको गैस बना सकता है। तो आप दाल में पीली मूंग की दाल लीजिए, आप दाल में पीली मूंग की दाल लीजिए, 2 रोटी लीजिए और कोई सी सब्जी लीजिए जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो, एकदम लाइट होनी चाहिए वो सब्जी। और हो सके तो साथ में छाछ भी आप ले सकते। और रात को सोने से पहले आपको फिर से 1 गिलास दूध लेना है। आपकी डॉक्टर प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करेगी आपको, रात को सोने से पहले वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था प्रोटीन पाउडर, तो रात को सोने से पहले मैं प्रोटीन पाउडर पीती थी दूध में डाल के। अब आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी, ये कि आपको डाइट के साथ अपने सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। आपके डॉक्टर आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी देंगे, आपको वो चीज़ भी खानी है। क्योंकि जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी भी होती है, तो इसलिए आपको डाइट के साथ सप्लीमेंट्स भी लेने हैं अपने, ताकि आप में कोई की कमी ना हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अपनी डाइट में आप अंडा भी ऐड कर सकते हो और चिकन भी ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना है, बॉइल्ड एग खाने हैं, रोज़ 2 एग ले सकते हो आप अपनी डाइट में। ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कैल्शियम प्रोवाइड करेगा आपको। और आप चिकन भी खा सकते हो, चिकन की जो कलेजी होती है वो चीज़ खाइए आप जब सी सेक्शन के बाद। उसको ज़्यादा स्पाइसी मत बनाइएगा, ज़्यादा मिर्च मसाला मत डालिएगा, एकदम नॉर्मल तरीके से बनाना है आपको चिकन को। और उसी कलेजी को आप खाइए, उससे आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा और आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी।